इनके मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर ड्रैगन बिलख बिलख कर मर गया था और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। तब एक बच्चे ने एक ड्रैगन को अपने घर में लाने का सोचा और वहाँ पर वो गेट खोलता है और जिसके बाद वो ड्रैगन को अंदर आने का ऑफर करता है। ड्रैगन वहाँ पर अंदर जाकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और दूसरी तरफ वो जब देखता है तब वो दूर जाकर उसे एक झोपड़ी दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। ड्रैगन उसके अंदर काफ़ी खुश था और ड्रैगन को खुशी इतनी मिल नहीं रही थी कहीं भी। वो अपने पंख को लिक कर रहा था लेकिन उस बच्चे के मूड में कुछ और ही था। वो उस बच्चे को चुपचाप वहाँ पर ड्रैगन के बच्चे को वहाँ पर वो फिश देकर चुपचाप ड्रैगन के पीछे जाकर वहाँ पर वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था और वो वहाँ पर वो करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ड्रैगन वहाँ पर एकदम से चिल्लाता है और जिसके बाद जब वो पीछे देखता है उसे काइंड ऑफ खुशी होती है क्योंकि उसकी पंख से अब वो फ्री है, क्योंकि उसकी पंख में उन लोगों ने विलेज के उसकी पंख में एरो डाल दिया था जिस वजह से ये ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता था और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ चुका था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब ड्रैगन अपने घर में था। ड्रैगन अपने घर में काफ़ी मज़े से एक बॉल से खेल रहा था। ड्रैगन को ऊपर से बॉल जाती थी और वो जाकर ड्रैगन उस बॉल को कैच करता था। कैच करते ही ड्रैगन को वहाँ पर समझ में आता है उसका घर। वो जब अपने घर को देखता है तब उसे अपने घर की याद आती है और जब वो अपने घर को देखता है उसे वो सारी यादें आती हैं जो कि उसने याद की थी। लेकिन ड्रैगन बिल्कुल भी उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पंख के अंदर एक छेद था। और जिसके बाद विलेज का बच्चा जल्दी से अंदर जाता है और अंदर जाते ही वहाँ पर वो सबसे पहले उस चेस्ट को खोलता है और चेस्ट को खोलते ही उसे वहाँ पर वो पोशन मिलता है और उस पोशन को वहाँ पर लेकर सबसे पहले उस ड्रैगन के पास जाता है और वो ड्रैगन काफ़ी रो रहा होता है लेकिन वहाँ पर उसके दर्द को संभालने आ चुका था ये बच्चा। उसके हाथों से वो सहलाता है और जिसके बाद वहाँ पर वो उसके दर्द में डालता है वो पोशन और छू करके वहाँ पर उसका पंख ठीक हो जाता है और वो ड्रैगन वहाँ पर ठीक होने के बाद उसे लिक करता है और जिसके बाद वहाँ पर वो काफ़ी ज़ोरों से उड़ता है अपनी पंखों के साथ और वहाँ पर वो हवे में फ्री हो जाता है और उसे इतना प्यार आता है उस बच्चे के ऊपर कि वो अब उस बच्चे को वापस लेने आया था। लेकिन वो बच्चा बचपन से ही अकेला था क्योंकि उसकी मॉम डैड भी इस ड्रैगन की तरह मारे गए थे। लेकिन वहाँ पर वो ड्रैगन उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों उड़ते ही वहाँ पर आसमान के ऊपर आ चुके थे। उस बच्चे को इस ड्रैगन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था और वो जब इस दुनिया के नीचे देखता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो जब नीचे देखता है वहाँ पर एक बदले की आग था एक बच्चे के अंदर। एक बच्चा जहाँ पर अपनी मॉम डैड के कब्र के पास था वहाँ पर वो जब ऊपर देखता है उसकी आग और भी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो किसी भी हाल में उस ड्रैगन को मारने वाला था जो कि उस बच्चे का सपना था, उसका फ्रेंड था। और वहाँ पर उसे याद आता है उस ड्रैगन ने कैसे उसकी आँखों के सामने उसके डैड को जला जला कर मारा था और वहाँ पर उसके डैड का वो बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो चला जाता है और ये ड्रैगन अपनी मॉम की याद में अपनी मॉम से खुशी खुशी अंदर मिलने जाता है। लेकिन कुछ अंदर ऐसा होता है वहाँ पर वो अपनी मॉम से नहीं मिल पाता और जब वो अंदर देखता है तब उसे यकीन होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और जिसके बाद वो वापस निकल कर आता है और वहाँ पर काफ़ी उदास था। वो उस बच्चे को देखता है, वो बच्चा भी काफ़ी उदास हो जाता है। ये उन दोनों का सबसे गंदा टाइम था और उनके ऊपर अब मुसीबत आने ही वाली थी। वो आ चुके थे अपने घर की तरफ और वो दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं कुछ लोग निकलते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले से वहीं पर थे और जिसके बाद ये और कोई नहीं होता, ये वही होता है जिसकी माम को मार दिया गया था उस बच्चे के कारण और जिसके बाद इसी बच्चे ने इस ड्रैगन की माँ को मारा था। और इसकी माँ को मारने की वजह से इस ड्रैगन को भी बंदी बनाया जाता है और इस ड्रैगन को भी बंद कर दिया जाता है और इस ड्रैगन को बंद करके वहाँ पर ले जाया जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो बच्चा जैसे ही अपनी आँख खोलता है वैसे ही वो खुद को पाता है, ड्रैगन उससे कहीं दूर जा चुका है। और जिसके बाद वहाँ पर वो काफ़ी रोने लगता है, उसे वो सारी बात याद आती है जब वो ड्रैगन के साथ काफ़ी कैसे पहली बार मिला था, उसने कैसे के पहली बार उस ड्रैगन को काफ़ी शर्माते हुए देखा था और उसकी आंखों में पहली बार एक परिवार वाला एहसास देखा था। उनका रिलेशनशिप इतना आगे जा चुका था कि वो बच्चा अब हार मानने नहीं वाला था
वो अपने घर आता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आर्मर को लेता है जो कि उसके डैड का था, और ये आर्मर पूरे के पूरे 20 साल बाद वापस चमकने वाला था। और ये बच्चा निकल जाता है गांव की तरफ, और गांव की तरफ ये बच्चा निकल जाता है चलते चलते। ये बच्चा वहाँ पर जाने लगता है, और जैसे ही वो ऊपर और नीचे देखता है उसे समझ में आता है कि उसे अब क्या करना है। वो सबसे पहले धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है, और वहाँ पर वो जाने लगता है अपने ड्रैगन को बचाने, वन एंड ओनली द टॉर्मेंट ड्रैगन। और ड्रैगन यहाँ पर अपनी मुसीबत से लड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे ने वहाँ पर उस ड्रैगन को बंद किया था जो कि अब किंगडम का सिक्योरिटी गार्ड चीफ था, और इस बच्चे को अब उसके डैड के मरने की जगह उसकी पोस्ट मिल गई थी। और ड्रैगन इतना ज़्यादा घबराया था कि वो काफ़ी रो रहा था, लेकिन मुसीबत उसी टाइम उनके पीछे आ जाती है, और एक क्रीपर अचानक आके वहाँ पर फट जाता है। अब फटने की वजह से वो सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पर आ जाता है वही ज़ॉम्बी, और वो ज़ॉम्बी अब अटैक करने वाला था उन बच्चों पर। और जिसके बाद ये न जाने किसकी चाल थी लेकिन पूरे विलेज में अब अटैक हो चुका था, और जिसके बाद वहाँ पर वो आ जाता है अपने ड्रैगन को बचाने, शायद से किसी भी की चाल हो सकती है। और जिसके बाद वहाँ पर वो ताला देखता है और उसे लगता है यही सही मौका होगा, और वो ताला तोड़कर ड्रैगन को निकाल लेता है। और ड्रैगन के निकलते ही वहाँ पर वो उसके ऊपर बैठता है, और सबसे पहले वो ऊपर की तरफ जाता है। वो सोचता है कि वो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन जब वो देखता है यहाँ पर उसके मॉम डैडी कभी रहते थे और यहाँ पर इसका असली घर है, और ये नहीं चाहता कि अपने घर वाले अपने गाँव वालों को ये धोखा दें। वो दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं, और जिसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं उस हवा की झोंके की मदद से, और वो दोनों नीचे पहुँचने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कि मुसीबतों में लड़ रहा था, जो कि उसके पास कोई भी अब वेपन नहीं था, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लड़ने के सिवाय, और वो वहाँ पर लड़ने लगता है। लेकिन तभी आते हैं रक्षक, और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन उसके ऊपर फायर बॉल चार्ज करता है, और इस बच्चे को भी समझ में आ जाता है उसने गलत किया। ड्रैगन पूरे विलेज में अब झुकने नहीं वाला था, और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वहाँ पर वो घना अटैक करता है, और जिसके बाद जॉम्बी के ऊपर वो अटैक कर देता है। वो बच्चा जो कि उसका साथ देता है वो दूसरा बच्चा, सिपाही बच्चा, लेकिन ड्रैगन को वहाँ पर काफ़ी जबड़ों की चोट आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो घायल हो जाता है और उसका पंख थोड़ा सा डैमेज था। और जिसके बाद वहाँ पर वो ऊपर जाता है और उस ड्रैगन के पास जाता है, और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी के सर के अंदर वो तलवार डालता है, और ज़ॉम्बी वहाँ पर मर जाता है। और जिसके बाद वो दौड़ते दौड़ते उस ड्रैगन के पास जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, लेकिन वो ड्रैगन को सहलाता है, और जिसके बाद वहाँ पर वो ज़ोर से चीख मारता है, और वहाँ पर वो ड्रैगन मर चुका था, और जिसके बाद वहाँ पर उसकी लास्ट हार्ट बीट थी। और जिसके बाद उन सबको अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, हमने काफ़ी गलत किया इस ड्रैगन के साथ। और जिसके बाद सारे के सारे गांव वाले शर्मिंदा थे, और सारे के सारे गांव वाले वहाँ पर ले जाते हैं उस बच्चे को, और जिसके बाद वहाँ पर वो ड्रैगन अब ठीक हो चुका था। न जाने कैसे भगवान की छुटकारे से वहाँ पर वो ड्रैगन ठीक हो चुका था, और ये बच्चा और उस ड्रैगन का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। वो ड्रैगन पूरे एक महीने से अपनी आँखें नहीं खोला था, लेकिन आज वो पफर फिश देखकर एक बार में उसे खा लेता है। और जिसके बाद ये बच्चा जैसे ही सुनता है उस ड्रैगन ने उस पफर फिश को खा लिया है, वैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है और वो काफ़ी खुश होता है, और जिसके बाद वो ड्रैगन से गले लग जाता है, और वहाँ पर वो ड्रैगन को अपने साथ ले जाने लगता है, और वो ड्रैगन भी उसे अपने ऊपर उड़ा लेता है। वो ड्रैगन के साथ काफ़ी खुश था, और ये सारे के सारे लोग वहाँ पर सोच में डूबे थे, लेकिन जब वो देखते हैं वहाँ से ड्रैगन आज़ाद हो चुका है और वो जा चुका है, तब सारे के सारे लोग वहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देने के लिए अच्छी मुस्कान करते हैं और वहाँ पर सैल्यूट करते हैं द ग्रेट ड्रैगन। इस बात पे आपको सैल्यूट करना है तो लाइक ठोकना, सब्सक्राइब ठोकना, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर में अपना फेस रिवील करने वाले हैं डोबसी एंड एसएमपी की वीडियो आने वाली।